हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं कुलदीप आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल के एनटी व्लॉग्स में अनटोल्ड स्टोरीज पे। सबसे पहले तो मेरे सभी सब्सक्राइबर सभी व्यूवर्स को आज के गुरुपुरब की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। मां परमात्मा से यही अरदास करेंगे कि परमात्मा आपको आपके बच्चों को हमेशा खुश रखे, तंदुरुस्त रखे। तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं, मैं भी तैयार हूँ और अब हम जाएंगे गुरुद्वारे। कोशिश तो यही रहेगी कि गुरुद्वारे ज़रूर जाएं आज के दिन, क्योंकि साथ में बेटी को भी लेके जाना है। तो थोड़ा हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि वहाँ पे भीड़ ना हो, और एक थोड़ा कोविड इन्फेक्शन का भी डर रहता है जब आपका बच्चा कुछ ऑलरेडी ऐसी तकलीफ से गुजर रहा है। तो हमारी तो पूरी कोशिश है कि हम गुरुद्वारे में आज ज़रूर मत्था टेक के आएँ। बाकी अब घर से निकलेंगे तो पता चलेगा, क्योंकि आज के दिन गुरुद्वारों में भी काफ़ी भीड़ होती है। तो चलिए आज चलते हैं हमारे साथ बाहर। अब ये नहीं पता कि हम कहाँ जा पाएंगे, बट आई प्रोमिस यू कि जो हमने सोच रखा है वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी कार राइड होती है, जो मेरी बेटी बहुत इंजॉय करती है। तो अब हम वहीं पे जा रहे हैं और आपको अपने साथ लेके चलूंगी। और पूरी मेरी कोशिश रहेगी कि अगर मैं गुरुद्वारे जाती हूँ, वहाँ पे भीड़ नहीं होती, तो मैं उस गुरुद्वारा साहब के आपको भी दर्शन करवाऊँ। तो चलिए चलते हैं आज गुरपुरब के दिन गुरुद्वारा साहब, उस परमात्मा से अरदास करने कि वो हमें, हमारे बच्चों को और हमारे तरफ जो, हमारे चारों तरफ जो कोई भी है, उन सबको परमात्मा बहुत खुश रखे और इस सारी दुनिया में बहुत सारी खुशियां बरसाए। तो ठीक है, चलते हैं। तो फ्रेंड्स, हम निकल चुके हैं अपने आज के सफ़र पे। सिटी हमने सारी क्रॉस कर ली है, अब हम जा रहे हैं बिल्कुल ही नेचर की गोद में। ये बहुत ही सुंदर राइड है, ये पूरा फॉरेस्ट एरिया पड़ जाता है। यहाँ पे ऐसे कोई ज़्यादा कहते हैं ना मॉडर्न रेजिडेंशियल कॉलोनीज़ वगैरह नहीं है। या तो रास्ते में आपको छोटे छोटे गांव मिलेंगे, या फिर यहाँ पे सड़क से थोड़ा पीछे हट के काफ़ी सारे रिजॉर्ट्स हैं। कुछ प्राइवेट रिजॉर्ट्स हैं, कुछ टूरिज़म के रिजॉर्ट्स हैं, और ऐसे सड़क पर कोई आपको बड़ा ब्रांड नेम वाला रेस्टोरेंट नहीं मिलेगा। या तो कहीं पर कोई जूस वाला होगा या चाय की टपरी होगी, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अब मैं जैसे काफ़ी दिनों के बाद आई हूँ, तो मैं देख रही हूँ कि वो वाली चहल पहल थोड़ी सी कम है। मे बी रीज़न कोविड भी हो सकता है। अदरवाइज़ यहाँ पे बहुत सारे चाय वाले या कुछ पॉपकॉर्न्स वाले या कुलचे वाले कुछ ऐसे ना छोटे छोटे फूड वेंडर्स मिल जाते थे ये, और फ्रूट वेंडर्स भी बहुत हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बाग बगीचे भी हैं। और जो भी वहाँ पे फ्रेश फ्रूट्स होते हैं, तो वो वेंडर्स हैं जो वो बाहर उनको टोकरियों में रख के बेच रहे होते हैं। तो अब हम एंटर करने जा रहे हैं हिमाचल में। हाँ जी, बिल्कुल आपने सही सुना, हिमाचल में। ज़्यादा दूर का सफ़र नहीं है, मेरे घर से हार्डली 60 किलोमीटर्स का है। और रास्ते में एक ये सुंदर सी नदी भी आती है, इसको सिसवा नदी कहते हैं। और अगर आप इवनिंग के वक्त यहाँ पे आएंगे, तो बहुत सारे लोग जैसे अपनी गाड़ियाँ पार्क करके यहाँ पे फोटोज़ वगैरह खींच रहे होते हैं, रिलैक्स कर रहे होते हैं। तो कुल मिला के ये वाला जो रास्ता है मुझे बहुत पसंद है। वैसे एक दूसरा रास्ता भी है यहाँ जाने का, लेकिन वो बहुत क्राउडेड है, सिटीज़ के बीच में से है, तो हम हमेशा ये वाला रास्ता ही प्रिफर करते हैं। और मतलब मेरे बच्चे भी ज़्यादा मार्केट्स में या मॉल्स में हम लोग जाना पसंद नहीं करते। ये नहीं कि अब शुरू से ही हमारी कोशिश ये रहती है कि अगर हमें कभी भी टाइम मिले तो हम इस तरह की राइड पे चले जाएं, रादर देन के किसी मॉल्स वगैरह में घूमने। और अब हम लोग पहुँचने वाले हैं अपने मंदिर के पास। ये जो आप घर देख रहे हैं ना, मुझे ये घर बहुत पसंद है। मैं हमेशा जब भी यहाँ आऊँगी, तो मैं बेटे को कहूँगी जब कभी भी मेरा अगर अच्छा सा रिटायरमेंट हुआ, तो मैं इस तरीके का अपना घर ज़रूर बनाऊंगी। अब आप देखिए, ये एक दो कर्व्स के बाद आपको ना गुरुद्वारे की ना बिल्डिंग दिखनी शुरू हो जाएगी। वो देखिए, आगे जो वाइट कलर का आपको दिख रहा है ना, वो टोटल गुरुद्वारे की ही बिल्डिंग है। वहाँ पे सरा भी है, लंगर भी है। ये हम पहुँच चुके हैं गुरुद्वारे में। वहाँ पे ये सिर्फ दो शॉप्स हैं जहाँ पे ऐसा कहते हैं ना ट्रेडिशनल सा रूरल लाइफ से रिलेटेड सामान मिलता है। मैंने दो तीन चीज़ें खरीदी भी, इस ब्लॉग में तो नहीं, नेक्स्ट ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। ऐसे गुरुद्वारे के अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, लेकिन मैंने बाहर का नज़ारा आप लोगों के लिए कैप्चर कर लिया। ये बहुत सुंदर जगह है, यहाँ पर आके बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको हमारा आज का ये छोटा सा सफ़र पसंद आया होगा। मुझे यहाँ पे जाना बहुत पसंद है। पहले तो हम फ्रीक्वेंटली जाया करते थे, बच्चे भी यहाँ पे इस राइड को बहुत इंजॉय करते हैं, और मुझे वहाँ जाके बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो अब तो हम लोग नहीं जा पाते हैं, और इस बार तो बहुत लंबे समय के बाद गए, क्योंकि कोविड आ गया। उससे पहले कुछ ऐसी सिचुएशंस हो गई थी कि हम निकल ही नहीं पाए, बट आज गए वहाँ पे, बहुत अच्छा लगा, बच्चों ने भी खूब इंजॉय किया।
तो आज के दिन कोई अनटोल्ड स्टोरी नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, किसी के लिए दिल में कोई मलाल नहीं। बस परमात्मा से यही अरदास करूंगी कि परमात्मा आपको तंदुरुस्ती दे, आपके बच्चों को तंदुरुस्ती दे, आप सबको ढेर सारी खुशियां दे। मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि जब कभी भी आप किसी को तकलीफ में देखें तो सबसे पहले उस परमात्मा का शुक्राना करें जिसने आपको उस तकलीफ से दूर रखा है, और साथ ही साथ उसी वक्त मन में ये ख्याल ज़रूर लाएँ कि अगर आपको उस तकलीफ़ से दूर रखा है तो कहीं ना कहीं उसने आपको ये जिम्मेदारी भी दी है कि जो तकलीफ़ में है आप आगे बढ़कर उसकी मदद ज़रूर करें। मैं अपने व्यूवर से ये भी कहना चाहूँगी कि जब कभी भी आप मेरे ब्लॉग्स देखते हैं तो प्लीज़ आप अपना सजेशन और ओपिनियन ज़रूर दें। मैं जानती हूँ कि ये थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक है, मैं ये भी जानती हूँ कि कई मदर्स जो इस जर्नी से गुजर रही हैं वो भी ब्लॉग्स देखती हैं, तो खुलकर सामने आइए। अपने बच्चों के लिए सोसाइटी में जगह बनाने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा, हमें ये कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक बच्चे के लिए एक माँ सामने नहीं आएगी तो कौन आएगा, ठीक है ना। तो उन सभी मदर्स के लिए, उन सभी गॉड के स्पेशल किड्स के लिए आज उस परमात्मा से मैं यही मांगूंगी कि अगर तूने हमें ये ज़िंदगी दी है तो हमें हिम्मत भी दे, और ये जो सफ़र हमने शुरू किया है, मैं जानती हूँ साइलेंटली मेरे साथ बहुत मदर्स जुड़ चुकी हैं, तो उन सभी मदर्स को इतनी हिम्मत दे कि वो आगे आके अपने बच्चों के लिए लड़ें, उनका हक मांगें। तो परमात्मा आप सबको ढेरों खुशियां दे, आपके बच्चों को तंदुरुस्ती दे। तो कल मिलते हैं अपने अनटोल्ड स्टोरीज के सफ़र में और कंटिन्यू करेंगे अपनी सीरीज़ एजुकेशन फॉर ऑल। तो तब तक इंजॉय कीजिए, खुश रहिए, अपने बच्चों को सुरक्षित रखिए। थैंक यू सो मच।